पूरे विश्व में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते यूपी के चित्रकूट जनपद में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां उन्होंने योग दिवस पर योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और लोगों से योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए लोगों से अपील भी की है। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे जनपद में कई जगह योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज स्पोर्ट स्टेडियम में पतंजलि द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और योग दिवस के नोडल अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी सहित आम जनमानस के लोग शामिल रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और योग को रोज दिनचर्या में शामिल करने व इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई है। देखिए, विपक्ष है, हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं, देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं हताशा निराशा का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को कम सीटें आई हैं, जो मन मुताबिक सीटें नहीं आई हैं, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी रहेगी और मंथन करके निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है उपचुनाव आने वाले हैं तो उसमें क्या? उपचुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और निश्चित रूप से हम अपनी जो भी हमसे गलतियाँ होंगी, जो भी उसे उसका सुधार करते हुए आगे हम चुनाव में जाएंगे और उपचुनाव में भी हम अच्छी स्थिति में आएंगे और 27 की भी हम लोग अभी से तैयार। तो क्या लगता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सफल रही है यूपी में? देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ पहले भी हम लोग चुनाव में गए थे, हम लोग युवा भतीजे की जोड़ी के साथ भी चुनाव में गए थे, तब भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं आए हैं, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं।